हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंडरला। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अमरूद की सब्ज़ी, जिसको पेरू और गुआवा बोलते हैं इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं अमरूद की सब्ज़ी बनाना। तो ये जो अमरूद है, ये पके हुए अमरूद है। तो ये जो सब्ज़ी है, ये पके हुए अमरूद की बनती है। तो आप पके हुए अमरूद ले लीजिए, वॉश कर लीजिए उन्हें, और फिर उनको पील कर लीजिए। उनकी स्किन को पील करने के बाद रफली चॉप करके एक साइड में रख दीजिए। एक कढ़ाई लीजिए, उसमें तेल डालिए। तेल जब गर्म हो जाए, उसे मीडियम से मीडियम हाई पे रख के अब एक कटोरी में 1/4 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/4 टीस्पून सरसों या राई एक कटोरी में लेके या एक कप में लेके आप उस कढ़ाई में जिसको हमने गैस पे रखा हुआ था, तेल गरम हो गया है, डाल दीजिए। जब आपकी राई और मेथी अच्छे से फूट जाए, तो उसके बाद डाल दीजिए आप हींग, डाल दीजिए चॉप्ड किया हुआ गार्लिक। गार्लिक गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप हरी मिर्ची डाल दीजिए। ये बिल्कुल भी स्पाइसी हरी मिर्च नहीं है, तो आप देख लीजिए, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं अगर आप तीखी खाना चाहें तो। पर ये मैंने हरी मिर्च डाली है, जो कि नॉन स्पाइसी है। फिर एक कप में आप धनिया पाउडर लीजिए, उसके बाद आप इसमें डालिए लाल मिर्च, लाल मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, मैंने इसमें 1 टीस्पून डाली है। उसके बाद डालिए 1/4 टीस्पून हल्दी। और ये जो स्पाइसेस हैं, इसको आप कढ़ाई में डाल दीजिए। आपकी जो गैस की फ्लेम है, वो स्लो होनी चाहिए, जिसमें आपके मसाले जले ना। आप स्पाइसेस को अच्छे से कुक कर लीजिए लो फ्लेम पे, और आपके मसाले जले ना, ये बात का आप ध्यान रखें। और फिर उसके तुरंत बाद उसमें गुआवा डाल दीजिए, यानी कि पेरू या फिर अमरूद नाम है, जो हर रीजन में डिफरेंट बोले जाते हैं। तो अमरूद, पेरू, ये एक ही चीज़ है। तो अमरूद डालने के बाद आप इसको करिए अच्छे से गुड मिक्स, और स्वाद अनुसार डालें नमक। नमक डालने के बाद आप रख दीजिए इसको ढक के। आप 5 मिनट इसे ढक के रखेंगे, जो अमरूद का रस है वो अपने आप एक ग्रेवी फॉर्म कर लेगा। अगर आपको लगता है कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ानी है, तो आप इसमें डाल दीजिए पानी अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से। आधा कप पानी डाल दीजिए, और पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा बॉईल कीजिए, और साथ ही साथ आप डाल दें इसमें गुड़, यानी कि जागरी पाउडर, या फिर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ को भी फोड़ के इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने 150 ग्राम गुड़ डालने के बाद इसको रख दिया ढक के 5 से 10 मिनट। तो हमारी अमरूद की सब्ज़ी हो गई है अच्छे से बॉईल, और कंसिस्टेंसी भी दिख रही है इसमें बढ़िया। तो अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी, और हमारी अमरूद की सब्ज़ी रेडी है। इसे गरम गरम रोटी के साथ एंजॉय करिए, ज़रूर बनाएं और बताएं कि कैसी लगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंडरला। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।